नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी पसंदीदा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प मी। मैं आपका मित्र प्रदीप गोयलो की। दोस्तों, जैसा कि आपने ऊपर थंबनेल में पहले ही देख लिया कि आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ कि अच्छे वकील की पहचान कैसे करें। दोस्तों, आज के समय में वकीलों की एक बहुत बड़ी लंबी फौज खड़ी है, जो कि आपको तहसील से लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालय तक देखने को मिल जाएगी। ऐसे में उन वकीलों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिन्होंने सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद वकालत शुरू की है, या सिर्फ शान शौकत और रुतबे के लिए ही वकालत कर रहे हैं, या बेरोजगारी के चलते वकालत कर रहे हैं, या सिर्फ नाम के लिए ही वकालत कर रहे हैं, बाकी साइड में कोई अन्य बिजनेस कर रहे हैं, या वो वकील है ही नहीं, किसी बड़े वकील के अंडर में रहकर उनकी सहायता करते हैं, उनके अंडर में रहकर काम करते हैं, उनके जूनियर होते हैं या फिर उनके क्लर्क होते हैं और अपने आप को बाहर वकील कहलाते हैं। लोग उन लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, जिसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता है और बदनाम सारे वकील होते हैं। ऐसी स्थिति में आज भी एक अच्छे वकील की पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, जो लोग अपना काम मेहनत, संघर्ष, ईमानदारी, समर्पण व जुनून से करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जो आपको अच्छे वकील की पहचान करने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण टिप्स यह है कि वकील का चुनाव कभी भी उसकी उम्र देखकर ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद वकालत शुरू किए हैं। उनके पास कानूनी दावपेच की भी कमी होती है और बूढ़े होने के चलते नई चीजें सीखना उनके लिए काफी मुश्किल होता है और इसका खामियाजा क्लाइंट को भुगतना पड़ता है और बदनाम सभी वकील होते हैं। इसलिए एक अच्छे वकील का चुनाव करते समय उसकी उम्र पर ना जाएं, क्योंकि वकालत का पैसा मेहनत, संघर्ष, ईमानदारी और समर्पण का होता है। इसलिए वकील का चुनाव करते समय यह देखें कि वह अपने काम के प्रति कितना ईमानदार है, कितनी शिद्दत से अपना काम कर रहा है। वकील की एक छोटी सी गलती क्लाइंट का बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है, और वकील की थोड़ी सी समझदारी क्लाइंट को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकती है, क्लाइंट की जिंदगी आबाद भी कर सकती है। इसलिए वकील का चुनाव करते समय उसकी उम्र पर ना जाएं, बल्कि यह देखें कि वह अपने काम के प्रति कितना ईमानदार है, कितना डेडिकेटेड है, कितना जुनून है, कितनी शिद्दत से अपना काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए आज के लिए इतना ही। पार्ट टू में आपको कुछ और टिप्स बताएंगे, जिससे आपको अच्छे वकील का चयन करने में हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।